हे गाइज, वेलकम बैक टू दी न्यू ब्लॉग। तो आज हम लोग हॉस्टल का रिव्यू आपको देंगे। तो आपको पता होगा क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ गए थे हॉस्टल पे, तो हॉस्टल पे वीडियो लाने के लिए, तो मैं वीडियो ला नहीं पा रहा था क्योंकि अभी असाइनमेंट और जमा होता है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम का समय आ चुका है, बहुत ही नज़दीक है एग्ज़ाम का समय, टाइम मिलने रहा था, इसी कारण ब्लॉग आने रहा था। तो आज टाइम मिला है तो आज ब्लॉग को यहाँ पर स्टार्ट कर दिए हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो है कितने पेड़ पौधे लगे हुए हैं। कॉलेज का वीडियो तो आपको आपके पास होगा, तो कॉलेज में भी कितना अच्छा पौधा लगाया गया है हमारे कॉलेज की तरफ से। हमारे हॉस्टल में भी स्टार्ट हो गया है पौधा लगाने के लिए। तो हमारे जो हमारे यहाँ का जो प्रिंसिपल साहब हैं वो बहुत ही अच्छे हैं और वो ये पेड़ पौधा पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। और तो ये हमारा गेट और ये हमारे गार्ड साहब यहाँ पे पेपर पढ़ रहे हैं। और ये ध्रुव मॉर्निंग वॉक करके आते हुए और सही समय पे मिल गए। ध्रुव कहाँ से आ गया था? ध्रुव भाई अटल पथ से गया था। क्यों? वॉक के लिए। तो ये अचानक मिल गया, पता है। तो अभी हम ध्रुव को घूमने खोजने के लिए तो ध्रुव मिला है, तुमको ला ध्रुव कहाँ गया था, सोचते हैं अकेले ब्लॉग बना लेते हैं, लेकिन अभी बाहर निकले तो ध्रुव मॉर्निंग वॉक करके आ रहा था। तो और सब ध्रुव बताओ। हाँ गाइस, तो फिर माय सेल्फ टू द चैनल। तो वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है मुझे हॉस्टल, और वापस बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रहा हूँ मेरे भाई के साथ। तो ब्लॉग फिर से इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि हमारी स्क्वाड फिर से एक हो चुकी है और अब कोई छुट्टी पे नहीं है। तो आज हम, जैसा कि आपको पता होगा, हॉस्टल का ब्लॉग है। तो ये भी हमारा ही हॉस्टल है, लेकिन इसमें फुल होने पे इसमें शिफ्ट किया जाता है, तो इसमें फ़िलहाल अभी कोई स्टूडेंट रहते नहीं हैं। तो ये एक बड़ा सा ग्राउंड, जैसे अभी पानियों की वजह से इसमें सब में पानी लग गया है। ये हॉस्टल 1982 का है जिसमें आप देख रहे होंगे, प्रॉब्लमों की वजह से इसमें अभी बंद है। पेड़ लगाए थे, यही पौधा के बारे में बता रहे थे आपको, यही पौधा हम लोग सारे स्टूडेंट मिलकर लगाए थे, जो एक लाइन से आप लोग देख रहे हैं साइड से, यही पौधा हम लोग लगाए थे। तो बहुत ही अच्छा है, हॉस्टल में कोई दिक्कत नहीं है, ना ही आपको रहने में कोई दिक्कत है, ना ही यहाँ कोई रैगिंग वैगिंग है, और ना ही मेस में कोई दिक्कत है, खाना भी बहुत अच्छा मिलता है यहाँ। काफ़ी अच्छे सीनियर्स भी हैं, सीनियर्स का डर मत करिए, काफ़ी फ्रेंडली और काफ़ी बढ़िया सीनियर्स हैं। उधर बैठा है वो। तो ये है हमारा, ओ राजीव बैठा हुआ है। तो ये हमारा हॉस्टल पटना 13 का, जैसा कि आप देख पा गए होंगे अच्छे से, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। यहाँ पे हम लोग रहते हैं। खाने की कोई दिक्कत नहीं है, रहने की कोई दिक्कत नहीं है, एकदम सही हॉस्टल है। अगर बीजेपी के स्टूडेंट है तो मैं आपको यही कहूँगा कि सबसे पहले यही हॉस्टल है, ये हॉस्टल बेस्ट होगा। तो ये वाले बिल्डिंग में हम लोग रहते हैं जो आप देख रहे हैं, और एक है उधर। अभी बस पौधा लगना स्टार्ट हुआ है लॉकडाउन की वजह से, अभी पूरा जंगल बहुत हो गया, बहुत बहुत तो अभी साफ हो गया है। कल रात बहुत जोरदार बारिश हुई है, कल पूरे दिन बारिश हुई है। कल बारिश की वजह से ही पूरा पानी लगा हुआ है। और यहाँ पे राजीव भाई बैठ के मोबाइल चला गए, वाह। फिर राजीव भाई भी मिल गए। क्या राजीव भाई, क्या कर रहे हो भाई? गुड मॉर्निंग दोस्त। ये चीज़, ये जो आप सामने देख रहे हैं, जैसे हम लोग यूँ तो बैडमिंटन कोर्ट कहते हैं, पर इसमें बैडमिंटन, कबड्डी सब चल जाता है। काफ़ी बड़ा सा अंदर से इंडोर स्पोर्ट्स के लिए ग्राउंड है, जो चाहिए वो कर सकते हैं आप, दो दो ग्राउंड है। हाँ तो दोस्तों चलिए हम आपको हॉस्टल का अच्छे से व्यू दिखाते हैं, आप लोग भी देखिएगा। तो अभी हम लोग इन कर गए हैं, तो ये जहाँ पे आप अगर साइकिल बाइक लाते हैं तो यहाँ पे आप आराम से लगा सकते हैं। पर नहीं आया है न्यूज़ पेपर, आते हैं यहाँ पे न्यूज़ पेपर स्टैंड है। सबसे पहले मेस में हम लोग इन किए हैं, ये हमारा मेस है। यहाँ पे फिल्टर लगा हुआ है और यहाँ पे खाना यहाँ यहीं से सबको दिया जाता है, और इधर हम लोग बैठ के खाते हैं आराम से। तो यहाँ से बहुत अच्छी व्यू आ गया। तो
व्यवस्था है। तो ये है रूम, तो एक रूम में दो बेड लगेगा जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, एक रूम में दो बच्चा का है। और इधर है कवर्ड है, इसमें आप अपना सामान रख सकते हैं, बगल में बोर्ड। तो ये है रूम का फुल रिव्यू। हम आ गए हॉस्टल की छत से। तो ये है हमारा हॉस्टल का छत। तो अभी हम पूरा छत का व्यू आपको देते हैं, तो चलिए आइए। ये हॉस्टल का छत है, और आप जो ऊपर देख रहे हैं वो दूसरा बिल्डिंग का छत है, तो इसे एक फ्लोर ज़्यादा है वो। ये सब तो आपको जाना पहचाना होगा, बगल में अटल पथ है जो हमारे हॉस्टल के छत पर से काफ़ी नज़दीक है। तो यहाँ का पूरा फुल व्यू। छत पर से हमारा हॉस्टल ऐसा लगता है। तो नीचे पौधा वौधा लगा हुआ है जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। तो जैसा कि आपको हॉस्टल का व्यू मिला है, तो वो काफ़ी शानदार व्यू है, तो आपको देखने में काफ़ी इंटरेस्टेड, काफ़ी मज़ा आएगा। तो हॉस्टल का काफ़ी मतलब टोटल व्यू नहीं ले पाए हैं, क्योंकि टोटल व्यू लेंगे तो आपको भी काफ़ी बोर हो जाएगा। तो जो जो आपको रूम का जरूरत था, मेस का जरूरत था और छत का जरूरत था, तीनों का व्यू लेके आपको दिखा दिए हैं। तो ये हमारे पीछे का व्यू आपको कितना अच्छा आ रहा है अभी आपको पता ही होगा, और आप देख रहे हैं तो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। तो मिलते हैं गाजीव से, क्योंकि बहुत दिनों के बाद गाजीव भी इस ब्लॉग में आया है, क्योंकि घर जाने की वजह से ब्लॉग में नहीं आ पा रहा था, और धूप भी चले गया था घर, तो बहुत दिनों के बाद आया। तो कुछ मिलिए, कुछ गाजीव बताए। तो जैसा कि आपको हॉस्टल का व्यू, हर एक चीज़ हॉस्टल का पता चल गया, तो हॉस्टल में इंटरव्यू लेने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो राजीव भाई बताएंगे। हाँ, तो आपने हॉस्टल का व्यू देख लिया दोस्तों, हम आपको हॉस्टल में आने का प्रोसेस बताते हैं। अब जिस समय एडमिशन लीजिएगा उसी समय आपको हॉस्टल अलॉट होगा, और हॉस्टल अलॉट होने का प्रोसेस यही है कि आपको मतलब कि पर सेमेस्टर पैसा लगता है, पर मंथ नहीं। और आप एक मंथ का मेस का चार्ज है 3,000 और हॉस्टल का चार्ज है 1,000, तो दोनों मिला के हो गया 4,000 पर मंथ। आपको एक सेमेस्टर का एक बार पे करना पड़ेगा, तो एक सेमेस्टर होता है 6 मंथ का, तो आपको 6 मंथ के अनुसार 24,000 हो गया पर सेमेस्टर। आपको पहले बार 2,000 सिक्योरिटी मनी जमा करना पड़ेगा, तो 26,000 हो गया। तो पहले सेमेस्टर में 26,000, उसके बाद हर सेमेस्टर 24,000 पर सेमेस्टर आपको जमा करना पड़ेगा। और आपको हॉस्टल जरूर लीजिएगा, हॉस्टल में बहुत मज़ा आएगा, सब दोस्तों के साथ इंजॉय, और खेलने उलने का जगह होगा, सब कुछ अच्छा है। स्पोर्ट्स के बारे में कुछ ज़्यादा ही क्रेज है हॉस्टल में, तो आप लोग जरूर हॉस्टल आएँ। तो धूप आ गया, तो धूप से मिलिए आप। तो भाइयों, हमारा स्क्वाड वापस बन चुका है, आ चुका है, और जैसे कि इसने बोल दिया हॉस्टल का हमने एलैबोरेटेड वीडियो नहीं दिया है, पर अगर आप लोगों की इच्छा होगी तो वो भी लाएंगे। वैसे हॉस्टल बहुत अच्छा है, अफोर्डेबल है पटना में, सबसे मुझे तो लगता है हमारी हॉस्टल सबसे अच्छा है। अफोर्डेबल प्राइसेस हैं, सारी फैसिलिटीज़ हैं, तो अगर NGP के स्टूडेंट्स हैं तो दिस इज़ द बेस्ट प्लेस फॉर यू टू कम इन। ओके, तो फिर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ पाने के लिए इस चैनल के साथ कनेक्टेड रहे, लिंक्ड रहे, और हमारे भाई हमें सपोर्ट करते हैं, आप भी करें। और प्लीज़ हमारे सावन भाई के चैनल ASD सावन ब्लॉग को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। और जैसे जैसे ये चैनल ग्रो करेगा, मेरा भाई ग्रो करेगा, हम सब भी ग्रो करेंगे, तो हम लोग अपने वीडियो का दायरा बढ़ाते जाएंगे, और आप लोगों को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग और ज़्यादा हमारे ज़्यादा चीज़ों का बारे में बताएंगे, और आप लोगों को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब ब्रो। तो आप लोग जितना हम लोग को सपोर्ट कीजिएगा उतना हम लोग का मनोबल बढ़ेगा, और आपके लिए उतना ही अपडेटेड वीडियो लाते रहेंगे। तो प्लीज़ हम लोग को सब्सक्राइब कीजिए, और लाइक और शेयर तो बनता ही है दोस्त। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।